हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके लर्निंग हब। टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले पीके परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारा टॉपिक है दीपावली। अभी दीपावली आ रहा है तो इसे आप ऐसे और स्पीच दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोटेशन नहीं लिखी है तो इसे एक हम निबंध की तरह ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दीपावली पर निबंध। त्यौहार और पर्व किसी भी जाति और राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक होते हैं, और हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति तो सबसे अनोखी है। तो कोई भी त्यौहार या कोई भी हम सेलिब्रेशन करते हैं, कोई भी जो है पर्व है, वो कोई किसी भी तरह की कोई भी जाति हुई तो वो पूरे हमारे पूरे राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत त्यौहार में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार लोगों के जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सैकड़ों त्यौहार मनाए जाते हैं, और उत्तर भारत में दीपों का त्यौहार दीपावली सबसे अधिक लोकप्रिय त्यौहार है। यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में है क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे जो भगवान श्री राम हैं, वो लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता और लक्ष्मण लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए थे। तो अयोध्या नगरी जो है उसको पूरी तरह से जो है सजाया गया था। तो अयोध्या नगरी हमारे उत्तर भारत में है, तो इसलिए उत्तर भारत का लोकप्रिय त्यौहार है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात सीता, यहाँ लिख सकते हो आप माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। श्री राम के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे। उसी परंपरा के अनुसार आज भी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो भगवान श्री राम के लौटने की खुशी में ही जो दिवाली जो है मनाई जाती है, लेकिन उसके साथ और भी कई कहानियाँ हैं। तो उस कहानी का जो है, उस कहानी के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हम दिवाली क्यों मनाते हैं और दिवाली से पहले हम अपने घरों में सफाइयाँ क्यों करते हैं, तो इस तरह की भी वीडियो अभी नेक्स्ट आने वाली है। तो मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। यह हर साल अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। तो कई बार ये अक्टूबर में आ जाता है, जैसे अब की बार अक्टूबर में ही है, अक्टूबर में है, और कई बार ये नवंबर की स्टार्टिंग में भी आता है। इस त्यौहार पर लोग अपने घरों को रंग बिरंगे दियों, रंगोली के डिज़ाइनों, फूलों आदि से सजाते हैं। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। यानी कि इसमें कहा जाता है कि भगवान जो है राम आए थे तो उस टाइम लाइट तो होती नहीं थी, तो पूरे जो अयोध्या नगरी को है दियों से सजाया गया था, दीपों से रोशन किया गया था। और कहते हैं कि अगर हम पूरी रात अपने घर को जगमग रखते हैं, अंधकार नहीं रखते, क्योंकि दिवाली वाले दिन कभी भी हमने जो अपने घरों की लाइटें ऑफ नहीं करनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए, तो इस दिन जो है माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। तो वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि आए तो भगवान श्री राम थे, उसके लिए दीपावली मनाई जाती है, लेकिन हम उस दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, वो भी आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा। दिवाली उत्सव, दिवाली दीपावली दोनों एक ही हैं। दिवाली उत्सव 5 दिनों तक चलता है, हर दिन अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। तो दिवाली का त्यौहार जो है धनतेरस से शुरू होता है। इसमें धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा जो जिस दिन हम बड़ी दिवाली बोलते हैं, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं। दीपावली के तीसरे दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। वो क्यों होती है वो आप थोड़ा सा वेट करें उसके लिए। दिवाली प्यार, एकता, आशा, जीत और खुशहाल जीवन का त्यौहार है। तो ये मैंने प्राइमरी लेवल का जो है निबंध तैयार किया है। तो छोटा सा निबंध है, आप इसे अगर स्कूल फंक्शन, स्कूल प्रोग्राम हो रहा, स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, तो वहाँ पर आप इसे एज ए स्पीच भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और जो मैंने आपको बताया कि दिवाली पर राम, श्री राम जी अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते, लेकिन इसके साथ और कौन कौन सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं वो आप मेरी आने वाली वीडियो में देखें।
हम इस दिन भगवान जो है गणेश जी और लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं वो भी आप मेरी आने वाली वीडियो में देखेंगे। और एक थर्ड कि हम कई दिन पहले अपने घरों की सफाइयाँ क्यों करते हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई किसी तरह की भी कोई जो है क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, वहां से जाकर आप इसकी PDF ले सकते हैं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल।